यह बोइंग कंपनी का C-17 ग्लोब मास्टर जो कि 1980 से 1990 के बीच में मैकडोनल्ड डगलस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। इस एयरक्राफ्ट को 8 देशों की एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स में से एक है और इसे सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे 1991 से 2015 के बीच में बनाया गया था। C-17 को पावर करते हैं 4 प्रेट एंड वेटनी के F-117 टर्बोफैन इंजन। हर एक इंजन 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और यहां तक कि ये प्लेन रिवर्स थ्रस्ट करके पीछे भी जा सकता है। ये प्लेन मैक्सिमम 77,000 किलो वेट को कैरी कर सकता है या फिर 134 सोल्जर्स को भी ले जा सकता है पैरेलल सीटिंग सिस्टम की मदद से। इसका खुद का वेट है 1,28,000 किलो और इसमें 1,34,000 लीटर फ्यूल भी भरा जा सकता है और ये 4,500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है सिंगल रिफ्यूलिंग से।